Hello friends, today we are making a model regarding air pollution. तो पहले step ये है कि हम एक thermocol लेंगे, this is a thermocol sheet, और इसके ऊपर हम ये fluorescent sheet रखेंगे और इसको फेविकॉल से paste कर देंगे. Then next step is ये हमने रोड की कटिंग की हुई है, तो ये ब्लैक चार्ट पेपर है, ये दिस इज अ चार्ट पेपर, तो इसको हम यहाँ आगे लेंथ वाइज लगा देंगे. और ये एक और कटआउट है, ये भी रोड के लिए है, तो ये यहाँ पे लगाएंगे. एंड दिस इज अ बिग पीस, ये थर्मोकॉल का पीस है, ये आप देख रहे हैं, ये थर्मोकॉल है और मैंने इसको गिफ्ट रैप कर दिया है. जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं, ये देखिए, ये इस साइड से तो मैंने टेप्स लगा दी हैं और दूसरी साइड से भी आप देखेंगे ये ऐसे टेप्स लगी हुई हैं. तो ये हम, ये स्काई का पोर्शन है, तो ये ऐसे इसके ऊपर ये फेविकॉल से लगा देंगे यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग के लिए ये एक बॉक्स लिया है हमने, तो बॉक्स को रैप कर दिया है और इसको हम यहाँ पे रखेंगे रोड के इस साइड पे. फिर ये हमारा नेक्स्ट पीस है, ये फिर एक बॉक्स है, ये भी बिल्डिंग के लिए, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऐसे रखेंगे और थोड़ा आगे, क्योंकि पीछे हमने चिमनीज भी बनानी है. अब ये एक और गिफ्ट रैप है, ये छोटा है, ये इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे. और ये थर्मोकॉल का ये एक और हमने पीस ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे थर्मोकॉल का पीस है, तो इसको हमने इसको कट किया इस शेप में, ऐसे स्लांटिंग और ये स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे कट करके तो मैंने इसको ऐसे ही रैप कर दिया, तो ये पीस आएगा यहाँ पे. अभी मैं इसको यहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी हमने फिक्स नहीं किया है ये. एंड दिस इज फॉर विंडोज, ये यहाँ पे विंडोज लगेंगी, तो इसको मैंने क्या किया है कि ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइनिंग कर दी है ऐसे, इसको मेजर करके और इसमें आउटलाइनिंग की है. अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे. ये देखिए, ये ऐसे कट हो गया है. अब इसको हाफ में ऐसे कट करके तो यहाँ पे हम विंडोज लगा देंगे, ये फेविकॉल से पेस्ट करेंगे. सो दिस इज फॉर विंडोज. और नेक्स्ट स्टेप है ये रोड्स के साइड्स पे, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो इसको हम एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ पे. ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमने कैसे बनाया है, ये आप कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए, इसको लेंथ वाइज कटिंग करेंगे और ये चार्ट पेपर है, येलो चार्ट पेपर, इसको ऐसे प्लेस करके और इसमें इसको आप ये ऐसे टर्न करेंगे और इधर से यहाँ पे टर्न करेंगे लाइक दिस, तो इसको यहाँ पे सेलो टेप लगा देंगे, तो आप फिर इसकी ऑपोजिट साइड देखेंगे तो ऐसे बन जाएगा. यस, अब ये नेक्स्ट स्टेप है कि ये हमने बॉक्सेस को, ये जो गिफ्ट रैप किया था इसको हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया विद फेविकॉल. ये आप देख सकते हैं, मैंने इस साइड पे भी ये फेविकॉल लगा के ऐसे ये इसको फिक्स कर दिया है. अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है, ये हिलेगा नहीं.
ओके, अब यहाँ पे विंडोज़ लगा दी हैं और इसको भी फेविकॉल से हमने पेस्ट कर दिया है। ये हमने हॉरिजॉन्टल विंडोज़ लगा दी हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये गेट है ये फैक्ट्री का। तो ये मैंने कार्डबोर्ड, मेरे पास ऐसे ये पड़ा था जो आपके पास कार्टन्स बचे होते हैं, कोई भी आपके पास टीवी कुछ भी आप ऑर्डर करते हो तो उसके साथ बॉक्सेस मिलते हैं, तो आप ये कार्टन के पीसेस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे कट करके, तो यहाँ आप देखिए ये गेट बनाया है फैक्ट्री का। इसमें मैंने स्केच पेन से लाइंस और लॉक का भी एरिया यहाँ पे दिया है। ओके, अब नेक्स्ट है ये जो हमने ये बिल्डिंग, ये ब्लैक हमने गिफ्ट रैप किया था, बिल्डिंग का पार्ट है। तो इसकी हमने ये जो विंडोज़ हैं, ये मैंने एक येलो चार्ट पेपर लिया है, चार्ट पेपर को इक्वली मेजर करके तो इसकी ये विंडोज़ को ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर इसमें हमने मार्कर के साथ इसको लाइंस आउटलाइनिंग कर दी इसकी, और इसको हम अब इसके साथ पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग ये ऊपर आएगी, ये ऐसे ये फैक्ट्री एरिया ये कंप्लीट होगा, तो ये फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए ये विंडोज़ यहाँ लगाएंगे। ये ब्लू विंडोज़ हैं, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ये लगेंगी लाइक दिस, और एक पार्ट यहाँ आएगा ये देखिए ऐसे। इसको पेस्ट करके फिर हम यहाँ ऊपर स्टिक कर देंगे इसके साथ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इज दिस। ये देखिए, ये मैंने सन की शेप में इसको कटिंग कर ली है येलो चार्ट को। ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ लगाएंगे। और ये क्लाउड्स के लिए ये शेप दी है, तो इसको भी हम यहाँ पीछे स्काई की तरफ यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ये स्काई के लिए ये छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं सोशल स्टडीज़ की या जीके की, उसमें आपको हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ये ऐसे मिल जाएंगे, तो इसकी हमने कटिंग करनी है। ये वर्कशीट्स हैं, ये हेलीकॉप्टर, ये आप कट करके इसमें क्रेयॉन्स भी कलर कर सकते हैं, और इसको फिर हम कट करके यहाँ पे स्काई में पेस्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज चिमनी। अब ये चिमनी को हमने, ये मेरे पास हैंडमेड शीट है ये ब्राउन कलर की, इसमें लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको हमने एक तो वर्टिकल साइड ली है, दिस इज़ अ वर्टिकल साइड ऐसे, और एक मैंने थोड़ा सा इसको स्लांटिंग ऐसे लाइन बना के इसको कट कर दिया है। अब इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे, इसको वर्टिकल साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके, ये जो स्लांटिंग लाइन ये फ्लैप है तो इसको हम ऊपर से फोल्ड करेंगे। ये कैसे होगा, अब ऊपर से नैरो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये चिमनी, और नीचे से ब्रॉड। अब यहाँ पे हम इसको स्टेपल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर। तो इसको यहाँ पे हमने ऐसे स्टेपल कर देना है और ऐसे ही नीचे स्टेपल कर देंगे। फिर उसके बाद स्टेपल करने के बाद हमने सीजर से इसकी कटिंग करनी है लाइक दिस। तो ये देखिए, तो ऐसे आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ इसको ये हमने ऐसे फोल्ड दे दिया। अब ये देखिए, मैंने एक चिमनी ऑलरेडी बना के रखी हुई है ये ऐसे। अब ये नीचे ये जो कटिंग पोर्शन है वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे यहाँ, इसको फेविकॉल के साथ अब यहाँ पे हमने इसको स्टिक कर देना है। तो दिस इज चिमनी।
और ऐसे ही हमने ये पिंक कलर की चिमनीज हैं वो भी हमने ऐसे ही बनाई हैं। ये देखिए ये ऐसे नीचे से ये कट किया हुआ है और इसको हमने अंदर फेविकॉल लगा के पेस्ट कर देना है। अब ये जो ऊपर रिंग्स हमने ये विंडोज़ के रखे हैं यहाँ पे, ये हमने ये ब्लू चार्ट लिया है, इसको हमने ऐसे एक स्ट्राइप में कटिंग की है। इसको आप फोल्ड करके यहाँ पे स्टेपल कर देंगे और ये ऐसे एक रिंग बन जाएगा। इसको आप फिर यहाँ पे सीधा ऐसे डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखिए ये चिमनी तैयार हो गई। और ये प्लेटफॉर्म्स के लिए ये येलो जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी तो इसमें ये हमने मार्क कर लिया है सेम डिस्टेंस पे डबल लाइन। तो इसको आप आउटलाइनिंग करेंगे और फिर इसमें फिलिंग। लाइक दिस। अब ये एरिया करने के बाद यहाँ पे ये लाइंस आ जाएंगी रोड की ऐसे। और यहाँ पे फिर हम ये जो छोटे बच्चों की कार्स होती हैं जो आपके यूज़ में नहीं है तो आप यहाँ पे इसको टेप के साथ ये स्टिक ऑन कर देंगे। ये करने के बाद फिर हम ट्रीज बनाएंगे। ये ट्रीज मैंने बनाए हैं, ये पहले तो हमने ये ली है आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक के ऊपर ये अब मेरे पास ये एक हैंडमेड शीट है तो हैंडमेड शीट को मैंने ऐसे एक ट्री की शेप दे दी है जो कि एक ड्राई ट्री है। तो ऐसे किसी भी शेप में आप ये लाइंस दे सकते हैं। और फिर हमने ये ड्राई ट्री ऐसे तैयार कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे एक यहाँ पे और एक राइट साइड पे लाइक दिस। एयर पोल्यूशन है इसलिए ये ड्राई ट्री बनाया है विद नो लीव्स। ये सब देखिए अब हमारा मॉडल बिल्कुल रेडी है। देखिए अब एक लास्ट स्टेप ये है कि हमने ये चिमनीज में से स्मोक दिखाना है तो इसमें हम ये ऐसे कॉटन रख देंगे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। और ये कार्स का धुआं जो निकल रहा है यहाँ पे थोड़ी कॉटन रख देंगे। अब ये हमारा मॉडल रेडी है।